केजीएफ चैप्टर 2 के बाद अब सिनेमा घरों में भूल भुलैया 2 धमाल मचा रही है। भूल भुलैया 2 एक ऐसी फिल्म है जिसमें VFX यानी ग्रीन बैकग्राउंड के आगे का सीन ना के बराबर हैं। इस फिल्म के लिए फिल्म मेकर्स ने 99% लोकेशन रियल रखी है। ऐसा नहीं है कि विजुअल शूट नहीं किए गए हैं, भूत को ज़्यादा फटकीला और डरावना दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। इस फिल्म को देखते वक्त आप भी डर जाओगे क्योंकि डायरेक्शन के साथ साथ एनिमेशन इफेक्ट भी इस फिल्म में कमाल का है। मैं आपको बता दूं कि भूल भुलैया के पहले सीक्वेंस को प्रियदर्शन जी का डायरेक्शन मिला था, जो कि एक मजे हुए कॉमेडियन डायरेक्टर हैं। बट इस बार हमें सीक्वल के नाम पर केवल फिल्म का टाइटल ही मिला है और कुछ छोटे मोटे कास्ट देखने को मिले हैं जो कि रिपीट किए गए हैं, क्योंकि भूल भुलैया 2 में नए कास्ट के साथ साथ डायरेक्टर भी बदला गया है। अब की बार आनिश वाजपेयी ने इसे निर्देशन दिया है एंड इन्होंने इससे पहले वेलकम जैसी हिट फिल्में बनवाई हैं। भूल भुलैया 2 में किए गए इस काम के लिए आनिश वाजपेयी को काफ़ी सराहना मिली है। आप इनके हार्डवर्क को यहाँ देख रहे हो। पिछली बार की तरह इस फिल्म में भी छोटे पंडित के तौर पर राजपाल यादव को लिया गया है। फिल्म में दिखाए जाने वाले लोकेशन राजस्थान के जयपुर में स्थित सामोद गांव का है। सामोद पैलेस पर मूवी का ये वाला सीन शूट हुआ है। इस जगह पर मूवी का एक हॉरर सीन भी है जहां पर पैर मुड़ने वाला सीन हमको देखने को मिला था। तो इस सीन को यहाँ सामोद पैलेस की लोकेशन पर नाइट में शूट किया गया था एंड आप इस सीन को शूट होते हुए देख रहे हो। एंड ये लोकेशन उत्तर प्रदेश का है। ये लोकेशन सीतापुर जिले के महमूदाबाद का है एंड ये वह लोकेशन है जहाँ पर इस फिल्म की इस वाले पार्ट की शूटिंग हुई है एंड मूवी की मैक्सिमम शूटिंग इसी जगह पर हुई है। यहाँ पर इस फिल्म के लिए हवेली की मरम्मत भी करवाई गई थी। इस फिल्म के कुछ सीन राजस्थान के सोमू पैलेस होटल के भी हैं जहाँ पर इस फिल्म के कुछ सीनों को फिल्माया गया था। ये बेसिकली एक महल ही था जिसे बाद में एक 5-स्टार होटल में कन्वर्ट किया गया था। फिल्म का ये वाला सीन तो आपको याद होगा। इस जगह पर राजपाल यादव अपनी साइकिल लेकर दौड़ता है और महल के अंदर एंटर करता है, तो ये वाला सीन भी इसी होटल का है। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी मुश्किलों से छोटी छोटी शॉट मिलकर एक फिल्म यानी मूवी बनती है जैसे हम बैठकर थिएटर में एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।